बाराचट्टी प्रखंड के दरबार गांव में मम्मी जी एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट ने शुरू किया निःशुल्क सिलाई सेंटर। महिलाओं के स्वावलंबन से ही हो सकता है सबल समाज का निर्माण। मम्मी जी बोध गया, एक स्वावलंबी महिला ही सबल समाज का निर्माण कर सकती है, क्योंकि पुरुष कुछ ही लोगों को शिक्षित कर सकता है, लेकिन एक महिला यदि शिक्षित व स्वावलंबी बनती है तो वह अपने आसपास के क्षेत्र को भी सुधारती है। उक्त बातें फ्रांसीसी समाज सेविका सह मम्मी जी एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की निदेशिका डॉक्टर जेने पेरे उर्फ मम्मी जी ने बुधवार को बाराचट्टी प्रखंड के दरबार गांव में निःशुल्क सिलाई सेंटर के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य महिलाओं व बच्चों को शिक्षित बनाकर उन्हें सबल समाज निर्माण के लिए प्रेरित करना है। इससे पहले संस्था द्वारा शुरू किए गए निःशुल्क सिलाई सेंटर का उद्घाटन डॉक्टर जेने पेरे ट्रस्ट के सचिव मुन्ना पासवान, बाराचट्टी थाना के थानाध्यक्ष रामलखन पंडित सहित अन्य अतिथियों ने फीता काट कर किया। Today the opening ceremony of the Sewage Center here in Bangkok, and we are very happy. We had an impressive welcome and a crowd. There were so many women who were interested, and there were many men also who were supporting the women. So we are sure that it will work very well, and they will get one training of 6 months. After that they will get one certificate, and then we will do a very good party, and I hope that they will spread and spread it in the village, but more spreading more outside also, and they will be maybe teachers, they will be sewing in the village. I told them maybe they can do one cooperative, and I'm sure it will go good. We are very enthusiastic, because the people are very interested, and we want this lady to be a little more independent. मैं दरबार गांव में मम्मी जी फ्री सिलाई सेंटर का उद्घाटन हुआ। मम्मी जी ट्रस्ट के निदेशिका डॉक्टर जेनी पेरे मम्मी जी के हाथों और बाराचट्टी के थाना के बड़ा बाबू के हाथों और गांव के लड़कियों के साथ यहां निःशुल्क सिलाई केंद्र खोला गया है मम्मी जी ट्रस्ट की ओर से। आज इस गांव के लड़कियां इतना खुशी महसूस कर रहे हैं, पहली बार निःशुल्क सिलाई केंद्र इस क्षेत्र में इस गरीब एरिया में खुला है, और मैं अपने ट्रस्ट की ओर से मैं चाहता हूँ इस क्षेत्र को लेडीज लोग को महिला लोग को आगे और विकास की ओर जाए, और इस सिलाई केंद्र के माध्यम से अपने हाथों से सिलाई करें, और जॉब भी इनका मिलेगा एक अलग अलग एरिया में, और इनका सर्टिफिकेट भी हर 6 मंथ पे ट्रस्ट की ओर से मिलेगा, और कहीं भी इस सर्टिफिकेट लेकर वो जॉब कर सकती है, और सिलाई केंद्र अपने से कोई टीचर भी बनकर कहीं पर खोल सकती है, और रोजगार को आगे बढ़ेगा इन लोगों का। मेरा नाम मुन्ना पासवान, मम्मी जी एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट बोध में।